Solar energy is a very important aspect for everyone, guys, as per the demand of energy requirement. अगर आप सोलर एनर्जी की बात करें तो एक अच्छा ऑप्शन है जो आज इंडिया को एनर्जी डिपेंडेंसी में पूरी तरह से तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं इवन इट इट विल बी अ काइंड ऑफ सपोर्ट जो होने वाला है. एंड इवन सोलर एनर्जी में जैसे इफ यू विल सी द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019 यूपीएससी हैज अ क्वेश्चन फ्रॉम सोलर पंप. सो कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी समय के साथ साथ दैट्स बीइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप देखो तो इंटरनेशनल सोलर लाइन्स के आने के बाद इवन दैट वाज अ ड्रीम ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो सोलर एनर्जी पे काफ़ी 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 हद तक आप देखो तो काम किया जा रहा है. अब बात ये होती है कि अगर हम सोलर एनर्जी पर जाते हैं तो इसमें कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ नेगेटिव्स भी हैं, लेकिन बिना नेगेटिव को समझे आप ये नहीं समझोगे कि एक्चुअल में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है वो क्यों लाया जा रहा है एंड व्हाई इट्स बीइंग सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन. सो आइए दोस्त, इन्हीं सब पहलुओं को लेकर हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं और देखते हैं ऐसा कौन सा करंट अफेयर्स का न्यूज़ है जो नए फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया में लगाए जा रहे हैं. तो इन दिस इंटायर वीडियो आई विल ट्राई टू डिस्कवर एवरीथिंग अबाउट द न्यू अपडेट्स रिगार्डिंग द फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट. जैसे कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबके करंट अफेयर्स के वीडियोज़ या यूट्यूब सेशंस में कुछ भी नए अपडेट्स आते हैं तो मैं उसे बनाता रहता हूँ. फिलहाल ये वीडियो छोटा है क्योंकि यहाँ पर कुछ साइट्स हैं जो नए डिसाइड किए जाते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट हैं जो लगाए जाते हैं. तो ये दोस्त, मैं डॉक्टर रवि गिरी आप सबका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ. जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आई हैव डन माय पीएचडी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड आई एम वर्किंग एज अ इंस्टीट्यूशन एज अ डायरेक्टर ऑफ पूर्वांचल एट गोरखपुर फॉर फेस टू फेस क्लासेस बाय द दिल्ली बेस्ड फैकल्टीज आर टेकिंग क्लासेस हियर. आई एम टेकिंग योर क्लासेस फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट फ्रॉम द लास्ट 18 ईयर्स 1000+ सेलेक्शंस इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस ऑलरेडी डन. आई हैव रिटन टू बुक्स ऑन द मैक्रा हिल पब्लिकेशंस. साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक इज हाली सेलिंग बुक इन इंडिया इन द यूपीएससी सेगमेंट्स एंड अपार्ट फ्रॉम अदर बुक इज अ एनवायरमेंट बुक दैट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर अमंग एस्पिरेंट्स. सो ये मेरा टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आई सजेस्ट टू एवरीवन की जो भी पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उस पीडीएफ को डायरेक्ट वहाँ पर वहाँ से डाउनलोड कर लें. इट विल बी बेनिफिशियल टू एवरीवन. यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑल द इंटायर डिमांड ऑफ यूपीएससी जितना भी काम की चीज़ है विदाउट एनी बकवास ओके दैट एवरी कंपाइलेशन आई प्रोवाइड यू. तो ये टेलीग्राम का प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप पीडीएफ प्लीज़ ले लें, आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा. और फिर मैं कहूँगा कि राइटिंग नोट्स बनाने की यहाँ पर जरूरत बिल्कुल नहीं क्योंकि करंट अफेयर छोटे छोटे रहे हैं. अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है academy.com rvpagrahi2010 पर अवेलेबल है. आप यहाँ पर पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर बहुत सारे क्लास जो प्लस के कोर्सेज होते हैं उसके अलावा बहुत सारे स्पेशल क्लासेस भी होती हैं. स्पेशल क्लासेस जो होती हैं आपके लिए काफ़ी हद तक ये पूरी तरह से फ्री होती हैं. और यहाँ पर मैं आपको एक बायोलॉजी का सेशन ले रहा हूँ जो 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 रात को 8:30 पर या 9 बजे के आसपास क्लास स्टार्ट होती है, जहाँ पर मैं आपके यूपीएससी के अलावा सारे के सारे स्टेट पीसीएस की सारे के सारे वन डे एग्जाम्स के जो भी बायोलॉजी के पार्ट्स हैं वहाँ पर क्लासेस चल रहे हैं उसे मिस ना करें. और ये रवि यूपीएससी कोड है जो आप ज्वाइन करिए कोर्स को लेते समय. और बात करते हैं दोस्त, यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट जो है ये एक क्वेश्चन सीरीज़ है जो कि आपको एक टेस्ट सीरीज़ टाइप से ऑर्गेनाइज होता है. अगला टेस्ट सीरीज 2 जनवरी को है, पिछला 26 जनवरी को दिसंबर को हो चुका है. ये टेस्ट सीरीज़ आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है. इसमें स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज़ भी है और अकॉर्डिंग टू योर रैंकिंग डिफरेंट टाइप्स की स्कॉलरशिप आपको यहाँ दी जाती है. इसको ज्वाइन करते समय आप रवि यूपीएससी का कोड यूज़ कर सकते हैं. इसमें आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं रिगार्डिंग द फीस, रिगार्डिंग द कंसेशन या रिगार्डिंग ज्वाइनिंग. यह पूरा का पूरा जो कोर्स है जो आपको यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट के नाम से आप जानते हो पूरा यूपीएससी के सिलेबस को कवर किया जा रहा है. टॉप एजुकेटर्स हैं जो यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर्स बनाते हैं और वही इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको देते हैं. ये आपको पूरा का पूरा ऑल इंडिया रैंकिंग भी देता है जिससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिल जाती है अपने आप को इवैल्यूएट करने में कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं. आइए अब बात करते हैं फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और ये पूरा का पूरा जो करंट अफेयर्स है द हिंदू से कनेक्ट में रहा है. ओके, तो ये अपडेट्स आपको द हिंदू का है जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट साइंस एंड टेक को लेकर है. मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जो साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट के लिए आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरा स्टैटिक पार्ट जो आपको अन अकेडमी पर मिल जाता है प्लस स्टैटिक के साथ उसका डायनेमिक पार्ट जो एडवांस लेवल का वो भी मिल जाता है प्लस उसके साथ जुड़े हुए करंट अफेयर्स वो भी अनअकैडमी पे आपको मिल जाता है. और कुल मिलाकर साइंस टेक एनवायरनमेंट को अगर आप कंपाइल करें तो आपके पेपर में तकरीबन 30-35 क्वेश्चंस इन्हीं दो सब्जेक्ट से आते हैं एटलीस्ट फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स. तो आउट ऑफ 30 में से और इस 30-35 में से 20+ क्वेश्चन इजली यू पीपल कैन सॉल्व आफ्टर लिस्टिंग माई ऑल द इंटायर प्रोग्राम्स सेशंस दोस आई एम गोइंग टू कंपाइल ऑन द अनअकैडमी. तो लिसन गाइस, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट में क्या ऐसा रिसेंट अपडेट आया है आपको बता दूं. अगर आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो 2019 में भी एक क्वेश्चन आपके पेपर पूछा गया सोलर एनर्जी से, दैट वाज सोलर पंप.
इमर्सिबल पंप, और इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए. तो सोलर एनर्जी पर लगातार 2016 में भी क्वेश्चन रहे हैं. 2016 में जो ये तो 2019 में रहा, 2016 पे जो क्वेश्चन रहा इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे रहा. 2018 पे भी सोलर टैरिफ से क्वेश्चन रहा, सोलर टैरिफ से क्वेश्चन रहा. ये मैंने आपको वो क्वेश्चन दिखाए जो पिछले 3 सालों में सोलर एनर्जी पर बेस होकर यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं. तो ये थोड़ा ध्यान देंगे. अब यहीं पर बात करते हैं जो नया अपडेट आया है. ऐसा कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट रामागुंडम जो है पिद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट में, ये पिद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट के अंदर आता है. तेलंगाना के रामागुंडम में एक सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है जो अपने फाइनल कंप्लीशन पर है. और कहते हैं नेक्स्ट मंथ तक आते आते ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका होगा. पूरे भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा. तो रामागुंडम थोड़ा सा ध्यान रखें, पूरा का पूरा जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वो NTPC द्वारा बनाया गया, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे. और दूसरी चीज आपको बता दूं दोस्त, जो नए फेज में नए फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगने जाने के लिए आने वाले 2-3 मंथ में, वो ये 3 साइट्स हैं जो न्यूज में आई हैं करंट अफेयर्स में. एक तो 25 MW फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो कि सीमाद्री थर्मल पावर प्लांट के नाम से जानते हैं विशाखापट्टनम में, इज द फर्स्ट वन. द सेकंड वन 92 MW का फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो कायामकुलम में लग रहा है केरला में. और तीसरा जो कि सबसे बड़ा माना जा रहा है आज तक का 100 MW का जो कि रामागुंडम में है, जो ये न्यूज आपको लेकर इंपॉर्टेंट है. तो ये क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि ये जगह कौन सी है न्यूज में रही हैं जहां हाल ही में नए सोलर पावर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल किए जा रहे हैं, दैट इज द फ्लोटिंग टाइप. ओके, और आगे बढ़ते हैं गोस. एक्चुअल में NTPC ने किया क्या है आपको एक बात बताऊं. NTPC का ये कहना है अकॉर्डिंग टू कि जो थर्मल प्लांट्स होते हैं वहां पर कुछ रिजर्वायर होते हैं, उन रिजर्वायर्स में अच्छा खासा पानी होता है वाटर, क्योंकि कोल को जब हम यूज करते हैं, कोल वॉशिंग वगैरह बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजारते हैं. ओके, कोल वॉशिंग वगैरह बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजारते हैं. इस केसेस में जो थर्मल प्लांट्स है, जो रिजर्वायर्स है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ. यहाँ पर इस पूरे के पूरे केस में आपको बताऊँ तो ऐसा कहा जा रहा है क्यों ना इस थर्मल प्लांट्स में जो कि खाली पड़ा हुआ है, इस थर्मल प्लांट्स को हम यहाँ पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाकर उसको यूज़ कर लें. तो ये कुछ न्यूज़ है जो NTPC को लेकर रिसेंट अपडेट्स में रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ. और सबसे बड़ी बात क्या है आपको बताऊँ कि जनरली जब आप सोलर एनर्जी की बात करते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसे कई बार मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते भी कि सर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया कि वाई सोलर एनर्जी हैव अ गुड पोटेंशियल इन इंडिया इन द राजस्थान एंड गुजरात स्टेट. इफ अगेन आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन टू यू गाइस, ये क्वेश्चन इंटरव्यू पैनल में भी पूछा गया है मेरे स्टूडेंटों से, काफी लोगों से जो मेरे काफी जूनियर भी रहे हैं मेरे कैंपस में IIT दिल्ली से, तो उनसे पूछा भी गया. तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन आंसर था. उन्होंने बोला भी कि सर राजस्थान और गुजरात ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं है, और प्रोडक्टिविटी ना होने से वो कहने का मतलब है कि वो एरिया जो है वो बैरन है. तो वहाँ का तो हम लैंड यूज कर सकते हैं, लेकिन और किसी जगह अगर हम लैंड यूज करें जहाँ पर प्रोडक्टिविटी होती है, तो समहाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द प्रॉब्लम इन द केस ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी, वी आर गोइंग टू अरेस्ट द प्रोडक्टिविटी. तो ये चीजें ठीक नहीं है. इसलिए अगर एक ऐसा ऑप्शन मिल जाए जहां पर जो वाटर बॉडीज है, बहुत सारे वाटर बॉडीज है इंडिया में जिनका यूज नहीं है, तो जिसके लिए आप ना तो फिशरी के लिए यूज करते हैं ना तो किसी और पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो आप यू पीपल कैन यूज दिस वाटर बॉडी स्पेशली एज टू सेटअप द फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जिससे आप पावर जनरेशन कर सकते हैं. फाइन, और एक चीज और मैं बता दूं, यहां पे एक और फायदा होता है. इवन व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी वाज अ CM इन गुजरात, तो उस समय उन्होंने ये एक प्रोजेक्ट भी लाया था कि क्यों ना हम जो गुजरात में जो कैनाल्स हैं, जो नहरें हैं जो गर्मी में सूख जाती हैं, उन कैनाल्स पे हम क्यों ना फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाएं. और फ्लोटिंग सोलर प्लांट होने से क्या करें, वो जो सन की लाइट होती है ना, जिससे गर्मी के टाइम में कैनाल का वाटर सूख जाता है, इट विल वर्क एज अ बैरियर इन द केस ऑफ लॉसेज ऑफ वाटर ऑफ द कैनाल, तो समहाउ द कैनाल वाटर विल बी सेव. तो ये भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए भी इसको फायदेमंद है. ठीक है, आगे बात करते हैं. यहाँ पर कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं. एक्चुअल में फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स एक अच्छा अल्टरनेट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लैंड की अवेलेबिलिटी का कोई भी इशू नहीं रहता है. ओके, और मैंने आपको पहले बोला बहुत सारे डैम्स, बहुत सारे लेक्स हैं, सिमिलर वाटर बॉडीज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते. आई जस्ट यूज एग्जाम्पल ऑफ कैनाल जो कि नहरों के अंदर नरेंद्र मोदी साहब ने इस चीज़ के बारे में बात किया था व्हेन ही वाज अ CM इन गुजरात. तो कहीं ना कहीं दोस्त फ्लोटिंग सोलर प्लांट के बारे में ऐसा नहीं है कि न्यूज़ में नया रहा है, लेकिन पिछले 3 सालों में अगर देखें तो इस पर काफ़ी हद तक काम हुआ है. ओके, इसी पिछले 3 सालों को देखते हुए फ्लोटिंग सोलर प्लांट में अक्सर आए दिन कुछ ना कुछ आर्टिकल्स रहे हैं. इवन जो मेरी मैग्राहिक की बुक आती, मैं आपको बताऊँ 3rd edition तक कहीं भी अपनी बुक में फ्लोटिंग सोलर प्लांट के बारे में नहीं लिखा था, लेकिन 4th edition के बाद से जो मेरी मैग्रा हिल की बुक आती, जो आप सब बच्चे काफी पसंद करते हैं यूपीएससी सेगमेंट के लिए, 4th और 5th edition की बुक में मैंने उन अपडेशन को देना यहां पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट को भी
एड ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे बताऊँ कि इनिशियल स्टेज में तो काफ़ी चैलेंजेस थे यहाँ पर, क्योंकि आप जिस वाटर बॉडी के अंदर आप डाल रहे हैं, ओके, जिस वाटर के अंदर आप चीज़ों को लगा रहे हैं दोस्त, तो वहाँ पर भी जो ग्राउंड माउंटेड प्लांट्स हैं उनके कंपैरिजन में वाटर बॉडीज में लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, कैसे डिफिकल्ट होता है अगर हम बात करें तो एक बात बताता हूँ आपको, क्योंकि जब आप किसी वाटर बॉडी के अंदर लगाते हैं उसकी एंकरिंग करना, उनका इंस्टॉलेशन करना, उसका मेंटेनेंस करना, उसकी ट्रांसमिशन करना काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लैंड बेस। तो एक ये चीज़ है इनिशियल स्टेजेस में जब हम फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, तो बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेने होते हैं। इस तरह के प्रिकॉशनरी मैनेजमेंट लैंड बेस्ड सोलर पैनल के लिए नहीं होते, दैट इज द फर्स्ट चैलेंजेस। अपार्ट इफ इट, एक चीज़ और भी बोलूंगा, जहां पर आप वाटर बॉडीज में लगाते हैं वहां का इन्वायरमेंटल कंडीशन भी कुछ ना कुछ एडवर्स मिलता है, जहां पर इम्यूनिटी ज्यादा होगी, वाटर की सैलिनिटी हो सकती है, विंड स्पीड करीब करीब ज़्यादा, तो ये कहीं कहीं ये इस तरह की कंडीशन आपको अगर ओशन के पास अगर हम लगाते हैं फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तो वहाँ पर इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अब पार्ट ऑफ गाइस, अगर वाटर बॉडीज़ में है और सोलर पैनल है, तो कहीं ना कहीं वो इस तरह के मटेरियल के बने होते हैं जो कि वाटर वगैरह के प्रेजेंस में डिग्रेडेशन हो सकता है, उनका कोरोजन हो सकता है, उनका बायोफॉलिंग हो सकती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स वगैरह होते हैं वो उन पर ग्रो कर सकते हैं, इस तरह की भी दिक्कतें आती हैं ना, कोई शैवाल होगा, एल्गा होगा, इस तरह की ग्रोथ हो सकते हैं। अब पार्ट ऑफ, एक बात और बताऊँ कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट के साथ कुछ और भी दिक्कतें हैं, क्योंकि फ्लोटिंग सोलर प्लांट जिस मेटल्स वगैरह के बने होते हैं, जब वो करोड होते हैं, जब वो धीरे धीरे रिस रहे होते हैं, उनके जंग वंग टाइप से चीज़ें लगती हैं, डिग्रेड हो रहे होते हैं, तो उनके जो मेटल या मटेरियल होते हैं, जैसे एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, कहीं ना कहीं वो वाटर बॉडी के अंदर हैवी मेटल्स टूट टूट के निकल के चले आते हैं। या कहने का मतलब एल्युमिनियम कॉपर के जो इरोजन्स होते हैं, मटीरियल्स होते हैं, उनका भी इफेक्ट वाटर बॉडी में होता है, जो वहाँ के सिस्टम के लिए, इकोसिस्टम के लिए या वहाँ के वाटर बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। दूसरी चीज़ अगर बताऊं कि अगर हम फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस एरिया में हम सनलाइट के प्रेजेंस को ख़त्म कर देते हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस में ही जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं वो CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्त कि अगर हम ऊपर सोलर प्लांट लगा देंगे, अगर फोटोवोल्टाइक लगा देंगे कहीं ना कहीं फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तो अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो होगी काफ़ी हद तक गिर जाएगी, क्योंकि प्लांट जो होंगे फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देंगे। इस तरह की दिक्कतें भी आ सकती हैं, और ऑक्सीजन का लेवल अगर कम हो जाता है तो वहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, कहीं ना कहीं वो वाटर की क्वालिटी को उन एरिया में इफेक्ट डालता है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगली चीज मैं बताऊं कि फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के केस में हम लोग एक्चुअल में इन सोलर प्लांट्स के लिए, फ्लोटिंग के लिए, वी पीपल वर डिपेंड ऑन द चाइनीज एंड यूरोपियन सप्लायर्स, और चाइनीज और यूरोपियन सप्लायर्स से जो प्लांट आता है वो जनरली 30-40% ज्यादा महंगा है इन कंपेरिजन टू लैंड बेस्ड सिस्टम। तो कहने का मतलब है दोस्त कि एक ये भी लिमिटेशन है कि ये काफी हद तक महंगे पड़ते हैं। ओके, और दूसरी चीज ये बताऊं कि ये जो फ्लोटिंग वाले हैं भारत में अभी अवेलेबल नहीं है, तो समहाउ वी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन अदर नेशंस। ये कुछ नए रिसेंट अपडेट्स हैं रिगार्डिंग द फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड। अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट में, इस वीडियो के अंत में जो भी मुझे करंट अपडेट्स देना था मैंने दे दिया। आपके UPSC टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, एनरोल करने के लिए आप इनमें से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। मेरा जो कोर्स है साइंस टेक एनवायरमेंट का वो स्टार्ट हो चुका है, और साइंस एंड टेक की क्लासेस 21 दिसंबर से प्लस पर चल रही हैं। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, अभी ज़्यादा क्लासेस में नहीं छोड़ी हैं। ओके, एक बात और बता दूँ कि साइंस और एनवायरमेंट इन दोनों को मिलाकर 30-35 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, जिनमें से अराउंड 20+ क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला था स्टैटिक, उसका अपलाइट और प्लस उसका करंट अपडेट्स, ये सारी चीज़ों को मिलाकर आपका साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट अच्छा खासा हो जाता है, फाइन, और आप यहाँ पर मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब पार्ट ऑफ गाइस, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप रवि UPSC कोड को ज्वाइन करें, यूज़ करें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आप सबको बोलूँगा कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पर आपको एक मेंटरिंग दी जाती है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस होते हैं, एक एजुकेटर होता है जो आपकी काफ़ी सपोर्ट करता है, अनअकैडमी पर आपको लोन फैसिलिटीज़ भी है अगर किसी तरह की आपको फाइनेंशियल क्रंच है। 29 दिसंबर से अगला बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है 2022-2023 के नाम पे, एक्सपीडिशन और मिशन 2022-2023। प्लस के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन और इकोनॉमी सब्सक्रिप्शन दोनों हैं, इनमें से किसी भी कोड को ज्वाइन करते समय अप्लाई कोड रवि UPSC अगर करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलता है। अब पार्ट ऑफ दिस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप अगर आप ऑप्शनल कोर्सेज भी लेना चाहते हैं वहाँ पर भी एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट विद द हेल्प ऑफ रवि UPSC कोड, यू कैन यूज इट। ये लास्ट में चलते चलते गोस्ट टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर PDF अवेलेबल है,
यू गो एंड टेक इट डायरेक्टली डाउनलोड फ्रॉम देयर. अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्पेशल क्लासेस मैंने शुरू कर दी हैं. अगर आपको मेरे साथ पूरी बायोलॉजी ख़त्म करनी है, अगर यूपीएससी के अलावा किसी स्टेट पीसीएस, किसी बैंकिंग, एसएससी, वन डे एग्जाम, कोई भी सीडीएस, एनडीए अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ पूरी की पूरी बायोलॉजी क्लास मैं रात को 9 बजे आपके साथ लाइव आता हूँ और मेरे साथ आप समाप्त कर सकते हैं. रवि यूपीएससी इज द कोड, कोर्स ज्वाइन करते समय इसका यूज़ करें. और अंत में जाते जाते दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस घंटी को बजाना ना भूलें, इस लाइक और शेयर को करना ना भूलें, और इस पीडीएफ को जो मैंने टेलीग्राम लिंक दिया वहाँ से जाके सीधा डाउनलोड कर लें. तो चलिए दोस्त, अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें.